फिर से स्वागत है आपका। अब बीजेपी के धरना प्रदर्शन पर हमें कुरुक्षेत्र में आप देख सकते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा मांगने के लिए आज बीजेपी पूरा जिला कार्यकारिणी यहां पर इकट्ठे, जिला अध्यक्ष भी हैं। जिला अध्यक्ष से हम जानना चाहेंगे, जिला अध्यक्ष जी आज काफ़ी ओजस्वी भाषण आपने दिया, काफ़ी अच्छी बातें की हैं, क्या निचोड़ निकला है आपके पूरे धरने प्रदर्शन से? ऐसा है, कांग्रेस की नीति रही है सदा से ही कि फूट डालो राज करो, और कांग्रेस जब जब सत्ता में आई है उन्होंने विपक्ष को उठने नहीं दिया, और जब कोई एंटी कांग्रेस सत्ता में कोई सरकार बनी है तो उसको चलने नहीं दिया जी। और आज भी वही स्थिति है, चाहे वो आंदोलन के नाम पे है, चाहे वो टिप्पणी के नाम पे है। और ये कांग्रेस का चेहरा उजागर हो चुका है कि जब अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, वो ऐसी टिप्पणी करते हैं कि ये आंदोलन आप हरियाणा में जाके करो या दिल्ली में जाके करो, तो ये सारा का सारा जो आंदोलन चल रहा है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कांग्रेस के बलबूते पे चल रहा है और ये किसान आंदोलन नहीं है, केवल और केवल ये कांग्रेस ही। और अध्यक्ष जी ये बातें तो पहले दिन से ही चल रही है, आप भी कहते हैं, बीजेपी पार्टी के आला कमान है वो भी ये बात कहते रहते हैं, तो ऐसी क्या वजह रही कि इतने एक्सपीरियंस्ड मुख्यमंत्री हैं, राजनेता हैं, उनको एक सार्वजनिक मंच से ये बात कहनी पड़ी, जबकि जग जाहिर है सभी कहते हैं कि कांग्रेस इसके पीछे है, तो क्या वजह थी वो मंच से उनको कहना पड़ा? ऐसा है, पहले तो हम सभी कहते थे, हमें पता था कि कांग्रेस के पीछे है, और कांग्रेस को कभी हजम ही नहीं हुआ कि कोई और सरकार, कोई और पार्टी की सरकार यहाँ पर चले। वो उनका हमेशा रहा है 50 से 55 साल देश पर राज करने वाली कांग्रेस को कि भी हम ही सत्ता में रहें। और अब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके काम करने का जो तरीका है, और हमारे मुख्यमंत्री जी का, उनको 6-7 सालों में ये देख लिया कि भी ये अब सत्ता से बाहर जाने वाले नहीं है। इनको भी लगता है कि ये 50 से 55 साल दोबारा ये देश पर ये राज करेंगे, अब हम नहीं रहेंगे। और हम तो ये कहते हैं कि भी इसके पीछे कांग्रेस है, लेकिन अब इसका जो दोहरा चरित्र है वो क्लियर हो चुका है। जब मुख्यमंत्री ने, अमरिंदर सिंह ने ये टिप्पणी करी है, तो उससे क्लियर हो चुका है कि वो सीधे सीधे इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। चलिए बातें क्लियर हो गई, उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस इसके पीछे है, वही उकसा रही है, वही फंडिंग कर रही है, सब बातें क्लियर हो गई। अब दो सवाल निकल कर आते हैं कि बीजेपी का कार्यकर्ता जो अध्यक्ष हैं या आम कार्यकर्ता है वो क्या करेगा, सरकार क्या करने वाली है? क्या, सबसे पहले वही चाहूँगा आप ये बताइए कि आम कार्यकर्ता, आप जैसा जिला अध्यक्ष क्या करेगा इस पूरे मामले पर? हमारा जो कार्यकर्ता है बीजेपी का, अनुशासित कार्यकर्ता है, संस्कारिक कार्यकर्ता है। हमारे कार्यकर्ता ने जब भी कोई प्रदर्शन किया, कोई कार्यक्रम किया है, वो शांतिप्रिय किया है। आज भी शांतिप्रिय हमने प्रदर्शन किया है, ये कार्यक्रम किया है ताकि उन तक बात पहुँचे। मैं केवल ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, इतना कहना चाहूँगा जो कांग्रेस के नेता हैं, हमने कांग्रेस के कार्यालय के पास इसलिए कार्यक्रम किया कि उनके नेताओं तक ये आवाज़ पहुंचे कि आप हरियाणा की जनता के साथ हैं या पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ हैं। अगर हरियाणा की जनता के साथ हैं तो अपना इस्तीफा देकर वो जनता का साथ देना चाहिए, अगर पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ हैं तो अपना यहाँ बोरिया बिस्तर इकट्ठा करके वो पंजाब में चले जाना चाहिए। कांग्रेस का मुखौटा उतरने के बाद क्या केंद्र सरकार अब सख्त हो सकती है? क्या किसान आंदोलन को ख़त्म कराने के लिए प्रयोग किया जा सकता है किसी भी तरह के बल का? मैंने ये कहा था कि ये किसान आंदोलन नहीं है, मैं पहली बात तो उसको किसान आंदोलन कहूँगा नहीं, ये विपक्ष किसान आंदोलन नहीं है तो उठा दीजिए ना, सरकार आपकी है, केंद्र में आपकी है, राज्य में आपकी है, क्यों नहीं उठाते? कहीं ना कहीं आप भी मानते कि किसान हैं, सामने तो हैं, चाहे वो मुखौटे में ही सही। ऐसा है, ये किसान आंदोलन नहीं है, लेकिन ये किसानों के नाम पे चल रहा है, और सरकार को भी ये लगता है कि अगर मान लो सरकार इसलिए इनको, क्योंकि देखो अगर किसी के ऊपर कोई लाठीचार्ज होता है, किसी के ऊपर कोई भी अगर चोट लगती है, तो वो भी है तो अपने देश का ही नागरिक है, ठीक है, इसलिए चाहे वो कांग्रेस का चाहे कोई भी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी ऐसा नहीं कर सकती कि उनके ऊपर कोई वो करे। अगर वो ऐसे कदम तभी उठाए जाते हैं जब पानी सर के ऊपर निकल जाता है, ज़्यादा हद हो जाती है, इसीलिए संयम से हमारी सरकार जो है वो अभी भी काम कर रही है। और इनको ये, हम ये कहना चाह रहे हैं कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, ये समझें कि जो कानून हमारे देश के प्रधानमंत्री लेके आए हैं वो नुकसान वाले नहीं है, वो फायदे के लिए हैं। और आज तक 50-55 सालों में जो कांग्रेस किसानों को नहीं दे सकी, वो इस सरकार ने दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कंचन टीवी से बात करने के लिए। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और आपके माध्यम से मेरी आवाज़ उन तक पहुंचे, और मैं कहूंगा कि पंजाब के मुख्यमंत्री इस पे इस्तीफा दें, ताकि और या फिर कांग्रेस के जो नेता हैं, लीडर हैं बड़े, वो उस कर जाएं। जी
ये देखिए जिलाध्यक्ष राजकुमार सैनी थे जो कांग्रेस को और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जगाने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी नैतिकता को जगाना चाहते हैं, कहते हैं कि इस्तीफा मांगे कैप्टन अमरिंदर का या फिर विरोध किया जाए कांग्रेसी नेताओं का, जो आला कमान है यहाँ के कार्यकर्ता उनका विरोध करें, ऐसा जगाने के लिए यहाँ पर आज बीजेपी के कार्यकर्ता बैठे थे। और अब वो 1 बजे तकरीबन उनका धरना खत्म हो चुका है, वो अपने अपने घरों की तरफ जा रही है। अब कंचन टीवी यहाँ से निकलता है और विदा लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा हर एक दर्शक का जो इस वीडियो को देख रहा और शेयर कर रहा। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल कंचन।